हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं ये फ्रॉक बनाने जा रही हूँ जिसका स्लीव्स मैंने हाफ सर्कल में रखा है। तो चलिए शुरू करें। ये एक मिडी ड्रेस है, तो इसके लिए आप लेंथ जितनी भी चाहे अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने 35 इंचेस लेंथ रखी है और देखिए इसको 4 लेयर्स में ले डाउन कर लिया है। और अब मैं साड़ी मार्किंग्स कर लूँगी, तो अकॉर्डिंग टू माई मेजरमेंट साड़ी मार्किंग्स मैंने शो कर दी है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी मार्किंग्स है उसके हिसाब से मार्क कर लें। तो इस तरीके से साड़ी मार्किंग होने के बाद हम वेस्ट के पास से अपना मेजरमेंट ले लेंगे। वेस्ट हमें कितना नीचे रखना है और कितनी चौड़ाई में रखना है, उसके बाद हम मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए, पॉइंट्स को मिलाते हुए हम स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, उसके बाद मार्जिन भी रख लेंगे। मैंने 1 इंच मार्जिन रखा है, स्टिचिंग मार्जिन, और वेस्ट मेरा 14 इंचेस डाउन पे रखा है। और अब इस पॉइंट से जो मेरा वेस्ट पॉइंट आया है, इस पॉइंट से नीचे की तरफ मार्क कर लेंगे। तो उससे पहले आप आर्म होल भी ड्रॉ कर लें, आर्म होल कर्व जो भी हमारा होने वाला है। उसके बाद जो हमारा वेस्ट पॉइंट है यानी कमर का जो पार्ट है, वहाँ से नीचे की तरफ तिरछी लाइन खींचेंगे। जो भी आपके फैब्रिक की चौड़ाई है, उस चौड़ाई पूरी चौड़ाई को आप कवर कर सकते हैं और तिरछी लाइन खींच सकते हैं। तो ये देखिए, वेस्ट के पास से इस तरीके से तिरछी लाइन खींचनी है, ड्रॉ करनी है। तो इस तरीके से लाइन ड्रॉ करने के बाद कटिंग कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द मार्किंग्स। तो मैं नीचे से स्टार्ट करूँ, तो जो तिरछी लाइन हमने खींची है उसी के अकॉर्डिंग कट कर लें। और ऊपर की तरफ सारी मार्किंग हम अकॉर्डिंग टू बैक करेंगे, और बाद में फ्रंट नेक और जो फ्रंट का आर्म होता है उसको डिप कर बाद में दे देंगे। अभी हम सारी मार्किंग जो कटिंग है वो बैक की मार्किंग के अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से कट करने के बाद अब आर्म होल का जो स्लोप होता है वो दे देंगे, सॉरी आर्म होल नहीं, शोल्डर का जो स्लोप होता है। तो यहाँ से 1/2 इंच का मैं कर्व स्लोप दे रही हूँ, और सेंटर की भी मार्किंग कर ले इसी तरीके से। उसके बाद जो हमारा बॉटम है, ये देखिए, तिरछी कट करने के बाद इसका ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसको पहले तो अनइवन है, और साथ में ये जो ट्रायंगल शेप की तरफ बाहर की तरफ बना हुआ है, तो इसको हम कर्व शेप दे देंगे। तो नीचे से कट करते हुए आएंगे और बाहर की तरफ आते हुए इसको हल्का सा कर्व दे देंगे। तो इससे हमारा जो सर्कल है स्कर्ट का, वो परफेक्टली क्रिएट होगा। तो ये हमारी कटिंग हो गई है जो बॉडी पार्ट है। अब जो हमारे रेस्ट पीस है, देखिए इस तरीके से पीस जो बचेगा फैब्रिक का, इसके लिए मैंने 2 मीटर्स फैब्रिक ही यूज़ किया, तो इसलिए ये फैब्रिक बचा है इतना। तो एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे। उसके बाद ये देखिए, एक कॉर्नर को दबा के रखेंगे और इस तरीके से ट्रायंगल शेप क्रिएट करेंगे, और ये जो हमारा लाइन बन गया है फैब्रिक से ही उसके सामने से कट कर देंगे इक्वली। तो हमारा जो फैब्रिक है वो स्क्वायर शेप में आ जाएगा। तो ये देखिए, तो अब क्या करेंगे, एक साइड हम कोई भी एक साइड आप अज्यूम कर लें जो हमारा सेंटर पॉइंट होगा स्लीव का, और उसके बाद जो दूसरा साइड है उस साइड से कर्व शेप इस तरीके से दे सकते हैं। आप मार्किंग कर सकते हैं, मैंने जनरली ऐसे ही कट कर दिया है कर्व शेप, और परफेक्टली आ भी गया है। अगर आप ऐसे नहीं कट कर पा रहे हैं तो सर्कल एक ड्रॉ कर सकते हैं मार्किंग चॉक से, उसके बाद कट करें। तो ये हमारा स्लीव रेडी हो गया है। तो अब देखिए, मैं नेक कट कर रही हूँ, तो नेक के लिए मैंने चौड़ाई 3 इंच रखी थी और गहराई फ्रंट की 5 इंच रखी हूँ, 5.5, और जो बैक की है वो 2 इंच पे रखा है। तो पहले बैक के अकॉर्डिंग नेक को कट कर लेंगे, उसके बाद एक जो पीस है हमारा उसको हटा लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, और बाद में जो दूसरा पीस बचा है उसके ऊपर फ्रंट नेक की कटिंग कर लेंगे। और साथ ही जो हमारा फ्रंट का आर्म होल है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा कर्व दे देंगे। तो इस तरीके
उसके बाद ये जो नेक है उसकी फिनिशिंग करेंगे। तो फिनिशिंग के लिए हम पहले इसकी पट्टी कट कर रहे हैं, मैं बायो स्ट्रेप्स यूज़ नहीं कर रही हूँ, नेक शेप में ही पट्टी कट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से जो फैब्रिक बचा हुआ है उसको डबल फोल्ड करेंगे और जो नेक मैंने कट किया है फ्रंट और बैक दोनों एक एक करके इस तरीके से प्लेस करेंगे और नेक के शेप में एक राउंड पट्टी कट कर लेंगे। देखिए नेक शेप कट हो गया और अब इस कट के नीचे से एक डेढ़ इंच नीचे से हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो ये देखिए ये एक पट्टी बन जाएगी और ये हमारी फ्रंट की है, बैक की भी इसी तरीके से कट कर लेंगे। और ज्वाइन कैसे करना है इसको, पट्टी को फैब्रिक के ऊपर रखना है, जो हमारा मेन बॉडी पार्ट है उसके ऊपर रखना है और नेक स्टिच डालना है और उसके बाद जो बॉटम पट्टी की वो भी फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से फिनिशिंग आ जाएगी और स्टिच करने के बाद ये देखिए स्टिच करने के बाद इस पर स्मॉल कट्स लगा लेंगे। तो इस तरीके से कट लगाने के बाद ये थोड़ा ईजी हो जाता है फोल्ड करना। और इसको फोल्ड करने के बाद जो इसकी किनारी है जो पीछे की तरफ जाने वाला है इसके ऊपर भी स्टिच डाल लेंगे तो फिनिशिंग अच्छी आएगी। और इस तरीके से स्टिच डाल लेंगे। जो फ्रंट में बैक मैंने बैक की तरफ रखा है उसका जो पट्टी है, लेकिन फ्रंट में जो पट्टी मैंने कट की थी उसको बैक की तरफ से अटैच करेंगे ताकि जो पट्टी है वो फोल्ड होकर फ्रंट की तरफ आ जाए। तो ये देखिए पट्टी को फोल्ड करने के बाद ये फ्रंट की तरफ फेसिंग होता है इसका, तो इसी तरीके से इसको अटैच करना है। बट बैक में हम जो नॉर्मली जैसे करते वैसे ही करेंगे। फ्रंट में मैंने इसलिए किया है ताकि मैं इस पर लेसेस अटैच कर सकूँ जो मैं दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए ये मेरी लेस है, बीट लेस है, बीट की तरह इसका आगे का पोर्शन है। तो इस तरीके से जो पट्टी हमने अटैच की फ्रंट की तरफ फेसिंग करते हुए इसके नीचे इस लेस को रखना है और पूरे राउंड में इसको स्टिच कर लेंगे। तो इसी तरीके से या तो पिन अप कर लें आप या फिर पहले हेमिंग कर लें पट्टी को और लेस को एक साथ में और उसके बाद स्टिच कर लें या फिर डायरेक्टली स्टिच कर सकते हैं अगर आप एक्सपीरियंस है तो इसी तरीके से लेस लगा लेंगे। तो ये देखिए इसके लेस अटैच होने के बाद उसके बाद मैंने शोल्डर भी अटैच कर लिया है साथ ही और इसके बाद स्लीव अटैच कर लूँगी। तो स्लीव अटैच करने से पहले जो स्लीव है उसमें जो हमारा लेस यूज़ किया मैंने नेक पे वो भी स्लीव पे भी जो स्लीव का राउंड है वो पोर्शन पे लेस को अटैच कर लेंगे और उसके बाद जो स्लीव है उसको बॉडी पार्ट में अटैच कर लेंगे। तो स्लीव अटैच करने के टाइम पहले दोनों साइड से पिनिंग कर लें और बीच में जो एक्स्ट्रा पार्ट बचता है स्लीव का यानी फैब्रिक थोड़ा एक्स्ट्रा बचेगा क्योंकि ये सर्कुलर शेप नहीं है, बीच में एक प्लेट देनी होगी। तो मैंने इन्वर्टेड प्लेट दे रखी है स्लीव पे। तो ये देखिए इस तरीके से अटैच कर लिया है मैंने और इसके बाद इसको उल्टे साइड फोल्ड कर लेंगे। और ये देखिए दोनों लेस का जो पार्ट इस तरीके से करना है और यहाँ से स्टिचिंग शुरू करनी है। तो जो भी आपने मार्जिन छोड़ा हो उस मार्जिन के हिसाब से सिलाई लगा लीजिए। और सिलाई लगाने से पहले हम पहले मार्किंग कर लेते हैं। सेंटर वेस्ट पे मैं इलास्टिक अटैच करने वाली हूँ, आप इलास्टिक की जगह वैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से जितने भी नीचे चाहते हैं इलास्टिक की बेल्ट मार्किंग कर लें और अगर बेल्ट लगाना चाहते हैं तो आप वहाँ पर लूप अटैच कर लें। मैं इलास्टिक लगा रही हूँ इसलिए मैंने मार्किंग कर ली है और इलास्टिक लगा लूँगी। इसी तरीके से तो ये देखिए बनने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा और इलास्टिक के साथ साथ मैंने इस पर लूप्स भी लगाए हैं और बॉटम भी फोल्ड कर लिया है। तो इस तरीके से ये